नमस्कार दोस्तों, सीएमसी इंदौर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मिथुन चक्रवर्ती जी को दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जाना है। तो मिथुन चक्रवर्ती को ये जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिलना है ये 54वां पुरस्कार है। देखिए आप दादा साहेब फाल्के अवार्ड, तो ये पुरस्कार होता क्या है इसके बारे में ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो देखिए 54वां नंबर का दादा साहेब जो फाल्के अवार्ड है ये मिथुन चक्रवर्ती जी को दिया जा रहा है। तो आप स्क्रीन में देखिए मिथुन चक्रवर्ती जी को देख रहे हैं, 54वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड इनको मिलने वाला है। तो ये 54वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो मिलना है, तो अगर हम मिथुन चक्रवर्ती जी की बात करें तो देखिए प्रसिद्ध हिंदी और बंगाली फिल्म अभिनेता माने जाते हैं ये, और इनको वर्ष 2022 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिलना है और 2022 का ये दिया जाना है 2024 में। तो वर्तमान समय में अगर हम देखें तो 2024 में ये प्राप्त किया जाएगा, इनको मिलेगा, और ये 2022 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो 54वें नंबर का है, 54 नंबर का। यहां पर अगर हम बात करें मिथुन चक्रवर्ती को ये जो पुरस्कार है ये 8 अक्टूबर 2024 को प्रदान किया जाएगा, और 8 अक्टूबर 2024 को ये देखिए आप 70वें राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार समारोह नई दिल्ली में आयोजित किए जाने हैं और वहीं पर ही आवंटन किया जाना है, पुरस्कार का वितरण किया जाना है। तो इस प्रकार से इनको 54वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त होने वाला है। और ये देखिए आप ये 8 अक्टूबर 2024 को आयोजित होगा यहाँ पर जो महोत्सव, उसमें इनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। ये फोटो आप देखिए मिथुन चक्रवर्ती जी की देख सकते हैं आप यहाँ पर। अगर हम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की बात करते हैं तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देखिए यहाँ पर आपको फोटो में धुंडीराज गोविंद फाल्के दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं के सम्मान में ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। क्योंकि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की स्थापना केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा की गई थी, और देखिए इन्हीं के सम्मान में धुंडीराज गोविंद फाल्के के सम्मान में ये पुरस्कार दिया जाता है। और यह जो पुरस्कार है ये पुरस्कार इसलिए दिया गया क्योंकि ये धुंडीराज जो आपको गोविंद फाल्के जी दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने एक फिल्म बनाई थी जिनका नाम था देखिए राजा हरिश्चंद्र। तो वर्ष 1913 में भारत की पहली फिल्म आई थी राजा हरिश्चंद्र, और इन्हीं की याद में देखिए आप ये पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की अगर हम बात करें तो भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में जिन्होंने उत्कृष्ट योगदान दिया हो तो ये लाइफ टाइम अवार्ड है ये, और ये लाइफ टाइम अच्छा पुरस्कार, ये मतलब ऐसा पुरस्कार है जिसमें उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है पुरस्कार। तो ये पुरस्कार जो है भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है दादा साहेब फाल्के अवार्ड, जो लाइफ टाइम अचीवमेंट मतलब लगातार जीवन भर उन्होंने उपलब्धियों के लिए दिया जाता है और सिनेमा के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। अगर हम इस पुरस्कार की बात करें तो इस पुरस्कार के रूप में विजेता को 10 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिए जाते हैं। इसके साथ साथ देखिए आप यहाँ पर एक स्वर्ण कमल, एक पदक दिया जाता है और एक शॉल भी दी जाती है। तो इस प्रकार से दादा साहेब फाल्के अवार्ड को प्रदान किया जाता है, इसमें 10 लाख रुपए नगद पुरस्कार राशि भी होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं धुंडीराज गोविंद फाल्के, इन्हीं के सम्मान में यह पुरस्कार की स्थापना हुई जिसका नाम दादा साहेब फाल्के अवार्ड है। तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है ये इस बार 54वें नंबर का मिथुन चक्रवर्ती जी को प्रदान किया जा रहा है। अगर हम बात करें तो ये जो पुरस्कार है ये पहली बार वर्ष 1969 में दिया गया था। पहली बार ये पुरस्कार वर्ष 1969 में देविका रानी जी को दिया गया था। तो देविका रानी को आप यहां पर देख सकते हैं, तो देविका रानी को वर्ष 1969 में सबसे पहला दादा साहेब अवार्ड प्राप्त किया गया था। तो ये पहली ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली है, देखिए आप देविका रानी जो आपको दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो दादा साहेब फाल्के जो लाइफ टाइम ये अवार्ड है ये अलग अलग लोगों को दिया गया, जैसे 2022 का इस बार मिथुन चक्रवर्ती जी का नाम सामने आया है, ऐसे ही 2021 का जो ये पुरस्कार है ये वहीदा रहमान को दिया गया था, हिंदी फिल्म अभिनेत्री हैं ये देखिए आप। इसी प्रकार से अगर हम बात करें वर्ष 2020 की तो आशा पारेख को दिया गया, जो अभिनेत्री है आशा पारेख यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ अगर हम 2019 की बात करें तो अभिनेता रजनीकांत को देखिए यहाँ पर ये दादा साहेब पुरस्कार दिया गया 2019 का। और वहीं अगर हम बात करें वर्ष 2018 की तो 2018 का ये जो पुरस्कार है ये हमारे हिंदी फिल्म क्षेत्र के अंतर्गत अगर हम देखें तो एक प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन जी को ये पुरस्कार दिया गया वर्ष 2018 का। तो यहाँ पर देखिए आप दीवार फिल्म उनका, और उनका डायलॉग है मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता।
तो यहां पर देख सकते हैं आप अमिताभ बच्चन को 2018 का दिया गया। 2017 की अगर हम बात करें तो हिंदी फिल्म अभिनेता हैं विनोद खन्ना, उनको दिया गया 2017 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो तमिल फिल्म निर्देशक हैं एक, जिनको 2016 का दिया गया, काशी नथुनी विश्वनाथ करके हैं, ये निर्देशक हैं, डायरेक्टर हैं वहां के तमिल फिल्म के, तो 2016 का इनको दिया गया था। इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये दादा साहेब जो फाल्के अवार्ड है ये विभिन्न लोगों को लगातार दिया जाता रहा, और ये 54वां पुरस्कार है जो मिथुन चक्रवर्ती जी को दिया जाना है। मिथुन चक्रवर्ती जी को ये जो पुरस्कार दिया जाना है, अगर हम मिथुन चक्रवर्ती जी की बात करें तो देखिए ये अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती का जो जन्म है, ये पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में इनका जन्म हुआ, और पहले इनको देखिए गौरांग चक्रवर्ती के नाम से जाना जाता था, बचपन में इनका नाम था। इन्होंने हिंदी, बंगाली, भोजपुरी, उड़िया, तेलुगु में 350 से ज्यादा फिल्मों में इन्होंने अभिनय किया है। और इस प्रकार से अगर हम देखें तो एक बहुत बड़े एक्टर माने जाते हैं ये अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती। 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी प्राप्त कर चुके हैं, 3 बार इनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी दिया जा चुका है मिथुन दा को, मिथुन चक्रवर्ती जी को। यहां पर अगर हम देखें तो अपनी पहली फिल्म, इनकी जो पहली फिल्म थी उसका नाम मृगया था, और मृगया फिल्म वर्ष 1976 में आई थी। और ये देखिए आप ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने सबसे पहली फिल्म इन्होंने की मृगया, और उसी फिल्म में ही इनको देखिए आप राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी नवाजा गया था। तो पहली फिल्म में ही देखो इनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था, और वर्ष 1976 में देखिए ये फिल्म आई थी इनकी जिनका नाम मृगया था। आगे चल करके अगर हम देखें तो 2 और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इनको दिए गए, जैसे कि तहादेर कथा करके 1992 में फिल्म आई, स्वामी विवेकानंद करके देखे 1998 में फिल्म आई, जिसमें भी इनको कहीं ना कहीं अगर देखा जाए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया जा चुका है। तो अभी तक 3 बार मिल चुका है। इनकी सबसे लोकप्रिय फिल्म आई वर्ष 1982 की बात है, 1982 में, जिसका नाम डिस्को डांसर। डिस्को डांसर जो इनकी मूवी थी वो सबसे लोकप्रिय मूवी थी, सबसे लोकप्रिय फिल्म थी इनकी। और देखिए आप यहां पर ये डिस्को डांसर 1982 ये फिल्म आपको दिखाई दे रही है, जिसमें ये डिस्को डांस करते हुए आपको दिखाई देंगे। तो ये बहुत लोकप्रिय फिल्म थी, और इसी फिल्म के कारण डिस्को डांस बहुत लोकप्रिय हुआ हमारे भारत में। और इसके साथ साथ सबसे पसंदीदा, सबसे लोकप्रिय अगर कोई फिल्म थी इनकी तो वर्ष 1982 में यही थी, जिसका नाम डिस्को डांसर था। तो इसके बाद ये फिल्म अभिनेता के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि इन्होंने हासिल की, और भारतीय हिंदी सिनेमा में अगर हम देखें फिल्म में तो ये बहुत अग्रणी इन्होंने योगदान दिया इसके बाद, और बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने रोल किया, अभिनय की भूमिका निभाई। तो ऐसे ही मिथुन चक्रवर्ती जी को ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जा रहा है इस बार का, जो कि 54वें नंबर का है, 54 नंबर का है। 2022 का ये पुरस्कार अभी 2024 में दिया जा रहा है, और इस प्रकार से ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले 54वें नंबर के फिल्म अभिनेता है। तो इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।